दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो मिले। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग ट्रैवल संबंधी, इंटरनेट संबंधी और गूगल एप्स संबंधित जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो ट्रैवल से संबंधित है और रेलवे से है। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि लॉकडाउन के बाद 1 जून से करीब 200 ट्रेनों का संचालन चालू हुआ, तो उसी के विषय में आप जाने हेल्पलाइन नंबर और अपना स्टेटस कैसे चेक करें, कैसे करंट स्टेटस का क्या हाल है, कैसे करंट टिकट बुक करें, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो रेड कलर में बेल आइकन दिया उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। यह बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों 1 जून से देश भर में 200 ट्रेनों का संचालन चालू हो गया है और इसी के साथ ही रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर और कैसे अपना रेलवे का स्टेटस चेक कर सकते हैं उसी के विषय में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही कई यात्रियों के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी गई हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं गाइडलाइंस का तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। भारतीय रेल मंत्रालय ने लॉकडाउन में 1 जून से करीब 200 यात्री ट्रेनों का देश भर में परिचालन शुरू किया। इनमें एसी और नॉन एसी दोनों तरह की ट्रेनें हैं और ये सभी श्रमिक ट्रेनों के अलावा शुरू की गई यात्री ट्रेनें, जिनमें एक जोड़ी स्पेशल ट्रेनें यात्री ट्रेनें हैं। बता दें कि 1 जून से शुरू हुई है और इन सभी ट्रेनों की बुकिंग 21 मई को सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी। ये ट्रेनें पूरी तरह रिजर्व हैं। इनमें एसी और नॉन एसी श्रेणियां हैं। जनरल डिब्बों में भी बैठने के लिए रिजर्व सीटों की सुविधा होगी। जनरल कोचों में भी आरक्षण के लिए दूसरा सीटिंग किराया लिया जा रहा है। जो सीटर था ना 2 सीटर वैसे ही किराया लिया। ये सभी यात्रियों के लिए सीटें हैं। इसमें वेटिंग या आरएसी वालों को सफ़र नहीं किया करने दिया जाएगा। ट्रेन डिपार्चर के 4 घंटे पहले पहली चार्ट बनाकर तैयार की कर दी जाएगी। मतलब ट्रेन जैसे ही चलेगी उसके 4 घंटा पहले पहली चार्ट बना दी जाएगी और उसके बाद दूसरी चार्ट 2 घंटे पहले बनकर आएगी। पहली चार्ट 4 घंटा पहले और दूसरी चार्ट ट्रेन चलने के 2 घंटे पहले बनकर तैयार हो जाएगी। केवल ऑनलाइन करंट बुकिंग वालों को ही पहले और दूसरे चार्ट में शामिल करने की अनुमति है। जो ऑनलाइन बुकिंग करेंगे ये क्योंकि वहाँ पे स्टेशन पे नहीं शायद होगा क्योंकि ऑनलाइन दिया हुआ है इसमें, तो केवल ऑनलाइन जो करंट बुकिंग करना चाहते हैं तुरंत, अगर सीटें खाली हैं तो आपको पहले और दूसरे के चार्ट में अगर सीटें खाली हुई मिली हैं तो आप बुक कर सकते हैं। यात्रियों के लिए गाइडलाइन दिया गया है। सबकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी जैसा कि आप जानते हैं। बिना लक्षण वाले व्यक्ति को आप ट्रेन में चढ़ने की अनुमति ही नहीं दी जाएगी। सभी यात्रियों को स्टेशन के एंट्री गेट पर और पूरी यात्रा के दौरान फेस कवर मास्क पहने रहना अनिवार्य होगा। यात्रियों को 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुँच जाना होगा ताकि थर्मल स्क्रीनिंग की जो भी प्रक्रिया है उसे पूरी किया जा सके। स्टेशन पर और ट्रेन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। जहाँ पे आप जा रहे हैं उस स्टेशन पर पहुँचने के बाद वहाँ के स्थानीय प्रशासन के या वहाँ के राज्य प्रशासन के द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य गाइडलाइन का आपको पूरा पालन करना होगा। रेगुलर ट्रेन की तरह ही इस ट्रेन में भी कोटा का नियम होगा। इसके लिए कुछ ही सीमित रिजर्वेशन काउंटर खोला जाएगा। रेलवे मंत्रालय ने इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी मेजर भी जारी किए हैं। किसी भी यात्री को अगर किसी भी प्रकार की असुविधा या कोई शिकायत है या कोई समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह हेल्पलाइन नंबर 138 और 139 पर कॉल करके रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। और अगर आपने ट्रेन में टिकट बुक कर लिया हो और अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो railinquiry.in पर वेबसाइट पे जाएं और उस वेबसाइट के ओपन होने के बाद दाईं तरफ रनिंग स्टेटस के बटन पर क्लिक करें, ट्रेन का नाम या ट्रेन का नंबर डालें और साथ ही ड्रॉप डाउन मेन्यू में जर्नी डेट डालें। अब आप रनिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं क्योंकि यहां आपकी ट्रेन की लाइव स्टेटस दिख जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि माई ट्रेन कहाँ है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।